यार इतना सारा फोन एक साथ लॉन्च हो गया, बंदा कंफ्यूज हो गया कौन सा फोन खरीदे। अब नथिंग फोन 2 एंड आईक्यू Z9 5G को देख लो, दोनों के बीच में कंफ्यूजन है कौन सा फोन लेना चाहिए। बट डोंट वरी, मैंने दोनों का 8GB 128GB वाला वेरिएंट खरीदा है, दोनों को यूज करके देख लिया है कौन सा फोन तुम्हारे लिए सही रहेगा, कौन सा फोन तुमको खरीदना चाहिए, आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। नथिंग फोन 2 है 24,000 रुपए का स्मार्टफोन, 2,000 रुपए डिस्काउंट मैंने 22,000 रुपए में खरीदा। एंड आईक्यू 20,000 रुपए का फोन, 2,000 रुपए डिस्काउंट 18,000 में खरीदा। अगर आईक्यू लेते हो ना तुम तो 4,000 रुपए बचा लोगे इस महंगाई के दौर में। जेब में अगर ज्यादा पैसे है तो 4,000 एक्स्ट्रा देकर नथिंग फोन 2 ले सकते हो। तीन मेन रीजन है इसका, इस फोन को खरीदने का। एक तो यार ये ग्लिफ इंटरफेस है, थोड़ा यूनिक डिजाइन जो तुमको थोड़ा सा अलग फील करवाएगा। दूसरा रीजन है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो तुमको कभी देखने को मिलेगा सेम प्राइस सेगमेंट वाले स्मार्टफोन में। एंड इसका रिजल्ट भी अमेजिंग है इस सेगमेंट के हिसाब से, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। ये रहा कुछ शॉट्स। वैसे बता दूं आईक्यू में तुमको वर्ल्ड फेमस 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा भी नहीं मिल रहा है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स के साथ साथ तुम अल्ट्रा वाइड वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो 4K 30fps पे एंड 1080p 30 और 60fps, दोनों ऑप्शन तुमको मिल जाएगा। नाउ तीसरा रीजन है 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने का नथिंग फोन 2A के लिए, वो है मेरा पर्सनल फेवरेट इसका UI। गाइस एक तो आईक्यू का मुझे फ्रंट टच OS नहीं पसंद है एंड दूसरा सामने में एकदम मक्खन जैसा चलता हुआ नथिंग OS, एकदम प्योर स्टॉक एंड्रॉइड जैसा फील एंड एकदम स्मूथ UI, मजा आएगा तुमको यूज करने में। फोन का डिजाइन थोड़ा प्रीमियम सा फील देता ही है और साथ में इसका जो UI है आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को और ज्यादा इम्प्रूव करता है, बेटर बनाता है। फोन के स्मूथनेस के साथ साथ इसका एनिमेशन भी आपको फ्रंट टच OS से बेटर लगेगा, बेटर फील करवाएगा। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 बेस्ड OS प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दोनों स्मार्टफोन का वेट मोर और लेस सेम है, 2 ग्राम कम है आईक्यू Z9 5G का, लेकिन इसको यूज करने में आपको थोड़ा ज्यादा लाइट वेट ये फील होगा और ये स्लिम भी है 7.83mm। नथिंग का थिकनेस थोड़ा ज्यादा है 8.6mm, तो तुमको होल्ड करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा आईक्यू एंड इसका ग्रिप भी ज्यादा अच्छा है। नथिंग फोन 2 थोड़ा स्लिपरी फील होता है, ऐसा लगता है कि अभी हाथ से ये गिर जाएगा, तो थोड़ा केयरफुली इसको पकड़ के रखना पड़ता है। वैसे आईक्यू में कवर मिल रहा है, नथिंग में नथिंग मिल रहा है, चार्जर के साथ एक कवर भी खरीद ही लेना। इन दोनों IP54 रेटिंग वाले स्मार्टफोन में तुमको हेडफोन जैक भी नहीं मिल रहा है और ना माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिल रहा है। एंड डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए नथिंग फोन 2 में मिल रहा है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन एंड आईक्यू Z9 में DTS स्टार 2 प्लस ग्लास प्रोटेक्शन, ऐसा कुछ नाम है। दोनों ही स्मार्टफोन में तुमको 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, फ्लैट वाला नो कर्व डिस्प्ले। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों में 91-92% के आसपास मिलेगा एंड दोनों में HDR कंटेंट देख सकते हो यूट्यूब पे। टच सैम्पलिंग रेट नथिंग फोन का है 240Hz एंड आईक्यू का 300Hz। पीक ब्राइटनेस नथिंग फोन 2A में मिल रहा है 1300Hz एंड आईक्यू में 1800Hz। कलर्स, शार्पनेस, मल्टीमीडिया के लिए दोनों स्मार्टफोन सही है, लेकिन आईक्यू का डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा ब्राइट लगा इनडोर में एंड आउटडोर में मच बेटर लगा आईक्यू Z9 5G का डिस्प्ले। दोनों स्मार्टफोन में तुम HDR कंटेंट एंजॉय कर सकते हो, बट अगर आउटडोर में कभी इस तरह का कंटेंट देखना हुआ देन आईक्यू Z9 5G देख सकते हो, क्लियरली मच बेटर एंड ब्राइटर दिख रहा है। आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट के नीचे आईक्यू Z9 5G का डिस्प्ले ज्यादा विजिबिलिटी में बेटर लगेगा एंड स्क्रीन ज्यादा रीडेबल रहेगा, यानी जो कंटेंट है वो आप आराम से पढ़ पाओगे आईक्यू में। नथिंग फोन 2A से भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं चलेगा, लेकिन आईक्यू सिंपली बेटर है। अब इन दोनों का स्पीकर, स्टीरियो स्पीकर है दोनों स्मार्टफोन का, दोनों का बेस वेस अच्छा है, तगड़ा है एंड क्वालिटी भी ओके है, बट इतने से काम नहीं चलेगा, दोनों को कंपेयर करके बताना पड़ेगा, दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दोनों में सेम ऑडियो आउटपुट सुनने के बाद मुझे नथिंग फोन 2A का बेस थोड़ा हाई लगा। आईक्यू में बेस एंड ट्रेबल का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी बैलेंस लगा एंड जो आउटपुट है उसका क्लैरिटी थोड़ा बेटर लगा मुझे नथिंग से। आईक्यू Z9 5G में मीडियाटेक का Dimensity 7200 चिप लगाया एंड नथिंग फोन 2A में Dimensity 7200 प्रो चिप, बट परफॉर्मेंस में नथिंग फोन 2A एकदम प्रो नहीं है एंड आईक्यू नूब नहीं है। यह है दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट एंड्रॉइड स्कोर, 63,000 स्कोर आईक्यू का ज्यादा दिख रहा है। GPU स्कोर मोर और लेस दोनों स्मार्टफोन का सेम ही दिख रहा है एंड CPU स्कोर 41,000 ज्यादा दिख रहा है अगेन आईक्यू का। Geekbench 6 का स्कोर भी थोड़ा ज्यादा आया, सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों आईक्यू का। एंटूटू और Geekbench टेस्ट के बाद मैंने दोनों
स्मार्टफोन में 15 मिनट 50 थ्रेड्स का सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा कि किसमें थ्रॉटलिंग ज्यादा होता है। एंड सरप्राइज, आईकू ने तो यार नो सीपीयू थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड, ऐसा कमी देखने को मिलता है। वैसे नथिंग फोन 2A का भी परफॉर्मेंस बुरा नहीं है 88%, बट आईकू का 100% नो थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड। मैंने दोनों का गेमिंग टेस्ट भी करके देखा, दोनों में 30-30 मिनट का TDM मैचेस खेलकर देखा स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे। परफॉर्मेंस ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन का अच्छा था एंड काफी सिमिलर था, लेकिन नथिंग फोन 2A ने बीच में अचानक से थोड़ा लैग करना स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ सेकंड्स में फिक्स हो गया, खुद से ही नॉर्मल हो गया। वैसे आईकू में ऐसा कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू नहीं देखा, ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टेबल था। एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, नथिंग फोन 2A का जो स्पीकर का क्वालिटी है गेमिंग में बहुत तगड़ा है। साउंड था ना वो लेफ्ट से आ रहा है या फिर राइट से आ रहा है, तुम एकदम फील कर पाओगे क्लियरली। अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, अपने स्मार्टफोन में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो वीडियो रेंडरिंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा चलो बताता हूँ। दोनों स्मार्टफोन में दो सेम फाइल ट्रांसफर किया है, दोनों में सेम सेटिंग्स यानी 2K 60fps पे वीडियो को रेंडर करके देखा एंड गेस व्हाट, आईकू ने टास्क 3 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। नथिंग फोन 2A ने सेम टास्क को कंप्लीट करने में 5 मिनट 2 सेकंड ले लिया। डे टू डे यूज के लिए मैं नथिंग फोन 2A पिक करना चाहूंगा। एक तो इसका UI ज्यादा स्मूथ लगा मुझे, फोन ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगा एंड ऐप ओपनिंग स्पीड भी इसका थोड़ा ज्यादा फास्ट है आईकू Z9 5G से। जितना भी गेम्स ओपन करके देखा ना, ज्यादातर गेम्स को नथिंग फोन 2A ने पहले ओपन किया, बट हाँ बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं दिखा स्पीड में। वैसे मल्टीटास्किंग में आईकू Z9 5G बेटर है नथिंग फोन 2A से। वैसे डे टू डे यूज के लिए तुम आईकू Z9 5G भी ले सकते हो, इस प्राइस में तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे इसके परफॉर्मेंस से। आईकू का फोन वैसे बहुत तगड़ा होता है, बस फ्रंट टच ओएस को थोड़ा इम्प्रूव कर देना तुम मजा आ जाएगा। एनिमेशन वगैरह उतना ज्यादा मजा नहीं आता फ्रंट टच ओएस यूज करने में, वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जियो 5G सिम के साथ मैंने दोनों स्मार्टफोन को यूज करके देखा, नेटवर्क से रिलेटेड कोई बड़ा इशू बड़ा प्रॉब्लम दोनों स्मार्टफोन में नहीं है, बट एक चीज मैंने नोटिस किया वो आप लोगों को बता देता हूँ। देखो 5G नेटवर्क बहुत स्टेबल नहीं है एंड इसका स्पीड जो है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है। ऐसे लोकेशन पे जहाँ नेटवर्क तुमको प्रॉपरली ना मिले, वहाँ पे नथिंग फोन 2A तुमको थोड़ा सा रुला सकता है, डाउनलोड भी काफी स्लो होता है, बट जहाँ पे नेटवर्क एकदम तुमको प्रॉपर मिले ना, उस वक्त एकदम फाड़ देता है। 2.2GB का गेम है, देख लो आईकू कहाँ है एंड नथिंग फोन 2A कहाँ है। मैंने दोनों स्मार्टफोन का अंडर डिस्प्ले वाला फिंगर स्कैनर ट्राई करके देखा एंड दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले मुझे डे टू डे यूज में बहुत सही लगा, बट दोनों को एक साथ ट्राई करने के बाद मुझे आईकू थोड़ा ज्यादा तेज दिख रहा है। यहाँ पे एनिमेशन या व्हाटएवर कोई भी रीजन बता लो, आईकू थोड़ा तेज दिख रहा है। ब्लूटूथ वर्जन दोनों स्मार्टफोन में 5.3 मिल जाएगा, वाईफाई 6 मिल जाएगा, NFC नथिंग फोन 2A में मिल जाएगा, आईकू में नहीं मिलेगा। नथिंग फोन 2A लेने का एक और रीजन आ गया तुम्हारे पास। नाउ गाइस, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बैटरी लाइफ। 5000 mAh की बैटरी है दोनों में। नथिंग फोन 2A 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट चार्जर तुमको बॉक्स के साथ नहीं मिलेगा, अलग से खरीदना पड़ेगा। एंड आईकू Z9 5G 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, चार्जर भी तुमको फोन के साथ मिल जाएगा, जो 0 से 100% फुल चार्ज करने में 1 घंटा 15 मिनट के आसपास ले लेता है। ज्यादा दिन नहीं हुआ दोनों स्मार्टफोन को यूज करते हुए, वैसे अभी तक दोनों स्मार्टफोन का बैटरी लाइफ मुझे ओके लग रहा है। सिंगल चार्ज पे आराम से फुल डे निकल जाता है और 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तुमको मिल सकता है, बट अगेन ये डिपेंड करेगा फोन कैसे यूज करते हो तुम। वैसे बता दो, अभी रिसेंटली मैंने दोनों स्मार्टफोन का फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट करके देखा एंड दोनों स्मार्टफोन 7 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम दिया, सेम ऑलमोस्ट। बट हाँ, मल्टीमीडिया एंड रील्स में नथिंग फोन 2A ने ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया एंड गेमिंग में आईकू Z9 5G ने। नाउ गाइस, बच गया कैमरा। नथिंग फोन 2A का बिगेस्ट एडवांटेज है इसका 50MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। बच गया मेन कैमरा, सेल्फीज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, चलो इसके बारे में बात करते हैं। प्राइस को कंसिडर करें ना, तो दोनों स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा बहुत सही लगा मुझे। अच्छे बढ़िया लाइटिंग कंडीशन में दोनों स्मार्टफोन का सेल्फीज काफी शार्प दिख रहा है, डिटेलिंग भी दोनों ने अच्छा कैप्चर किया है। कलर्स की अगर बात करूं तो नथिंग फोन 2A ज्यादा क्लोज टू नेचुरल लग रहा है, स्किन टोन हो या फिर मेरे टी शर्ट का कलर। आईकू ने स्किन को थोड़ा ज्यादा ब्राइट कर दिया है, टी शर्ट का कलर भी थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिख रहा है एंड स्किन थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है अगर नथिंग से कंपेयर करें तो। नाउ बारिश के बाद थोड़े से लो लाइट में आईकू अब थोड़ा बेटर लग रहा है नथिंग फोन 2A से। नथिंग फोन 2A ने स्किन थोड़ा डार्क कर दिया है, इवन मेरा शर्ट का जो कलर है ये भी थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। आईकू का सेल्फीज ब्राइट दिख रहा है एंड रेडी टू शेयर, सोशल मीडिया पे आप आराम से शेयर कर सकते हो बिना एडिट किए। इनडोर में ठीक ठाक लाइटिंग कंडीशन में अगेन आईकू बेटर दिख रहा है नथिंग फोन 2A से।
नाउ मेन कैमरे की अगर बात करूँ तो नथिंग बेटर दिख रहा है आईकू से, स्किन टोन, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट या फिर एक्सपोजर कंट्रोल नथिंग का बेटर दिख रहा है। आईकू बुरा नहीं है, इसको स्लाइटली अगर ऑप्टिमाइज किया जाए ना तो इससे बेटर रिजल्ट मिल सकता है, बट अभी फिलहाल नथिंग बेटर दिख रहा है। लैंडस्केप शॉट्स भी नथिंग का बढ़िया दिख रहा है, बेटर दिख रहा है, कलर्स थोड़ा विविड दिख रहा है बट ओवर सैचुरेटेड नहीं है। आईकू का कलर थोड़ा सा नेचुरल टोन पे है, नथिंग का इमेज थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, डिटेलिंग भी थोड़ा ज्यादा बेटर कैप्चर किया है एंड इमेज थोड़ा ज्यादा शार्प भी दिख रहा है। डायनेमिक रेंज भी नथिंग फोन 2A का ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है। आईकू का वैसे इमेज शार्प दिखता है एंड डिटेलिंग भी अच्छा कैप्चर होता है, लेकिन कुछ इमेज में बहुत एवरेज सा लगा, ऑप्टिमाइजेशन का इशू है इसमें। दोनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से 4K 30fps पे शूटिंग कर सकते हो एंड 1080p 30 और 60fps दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। 4K 30fps का इमेज जो है ना, वो जो फुटेज है वो ज्यादा शार्प दिख रहा है नथिंग फोन 2A का। 1080p 60fps का फुटेज ज्यादा स्टेबल दिख रहा है नथिंग फोन 2A का एंड 1080p 30fps का फुटेज आईकू का ज्यादा स्टेबल दिख रहा है। नाउ कौन सा फोन खरीदना चाहिए? देखो, ग्लिफ इंटरफेस अगर तुम्हारे लिए बहुत मैटर करता है, तुम इसके फैन हो, या फिर UI बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर अल्ट्रा वाइड कैमरा जो वन ऑफ द मेन रीजन है इस फोन को परचेस करने का, क्योंकि 25,000 रुपए में तुमको इससे बेटर कैमरा वाला फोन मिल सकता है और बेटर परफॉर्मेंस वाला फोन मिल सकता है और साथ में चार्जर भी मिल जाएगा। एंड आईकू Z9 5G अगर तुम 18,000 रुपए में खरीदते हो ना तो तुमको ये फोन टोटली वर्थ लगेगा। मेन कैमरे में पोटेंशियल है बट इसको थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। बाकी सेल्फी कैमरा के साथ साथ इसका पोर्ट्रेट शॉट्स भी मुझे नथिंग फोन 2A से बेटर लगा। डिस्प्ले, स्पीकर, गेमिंग परफॉर्मेंस सब कुछ सही है इस प्राइस में। बैटरी लाइफ भी डिसेंट लगा एंड चार्जिंग भी फास्ट है इसका। नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, फिंगरप्रिंट स्कैनर परफेक्टली काम कर रहा है, बस NFC नहीं है। नाउ तुमको कौन सा स्मार्टफोन वर्थ लगा एंड क्यों लगा जरूर बताना, एंड इन दोनों स्मार्टफोन का कौन से फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो ये भी बता देना। थैंक यू वेरी मच।